हमारा देखो इस क्वेश्चन में पहला हिंट ये था कि कंसेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन को अल्कोहल से एल्कीन देती है। दैट मींस दिस कंपाउंड इज एन अल्कोहल। तो चार कार्बन का अल्कोहल होना चाहिए, मतलब चार कार्बन के अल्कोहल कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है 1 2 3 1 पे OH, एक हो सकता है 1 2 3 4 2 पे OH, एक हो सकता है 1 2 3 4, और सॉरी इसके अंदर चेन चेंज हो सकती है ऐसे, और 1 पे OH, और एक हो सकता है ये। तो आवर कंपाउंड ए ए कंपाउंड के पॉसिबल क्या क्या हमारे आइसोमर ये पॉसिबल ए के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। अब ए वेन डिहाइड्रेटेड विद H2SO4 कंसेंट्रेटेड 443 केल्विन गिव्स कंपाउंड सी, अच्छा गिव्स कंपाउंड बी, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके अगर हम सब पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल दें 243 केल्विन पे तो कंपाउंड सी मिलता है। तो अभी हम सबको लेके चलेंगे, एक को नहीं सबको लेके चलते हैं, और साइड से रूल लगा के देखते हैं क्या इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमने सब में डाला कंसेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, ये सेम सेम डालने से इसके अंदर बना हमारा ब्यूट टू इन, इसमें बना सॉरी ब्यूट वन इन, इसमें बना ब्यूट टू इन, इसमें बना टू मिथाइल ब्यूट टू इन, और इसमें बना अगेन सेम टू मिथाइल ब्यूट टू इन प्रॉप टू इन, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड पॉसिबल डी कंपाउंड्स हैं ये सारे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ सी विद एक्वस H2SO4 गिव कंपाउंड डी, अच्छा ठीक है। वो कह रहा है कि इसके अंदर अब हमने डालना है H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 एक्वस H2SO4, तो ये कह रहा है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर, तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन पानी डाल रहे हैं, तो हमने पानी डाला, पानी डालने से वापस से H2 ऐड होगा एज पर मार्मोनिक ऑफ रूल। तुम सबके एच ऑब्वियसली एच को सबको कंप्लीट रखोगे बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन। मैं ही जल्दी जल्दी में एच नहीं बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नहीं बनाओ, ठीक है। अब तो अब इसके अंदर अगर हम बात करें हमारे जो एल्कीन के बाद H2O डालने से कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे 2H है यहाँ पे 1H है, तो 1H जाएगा जहाँ ज्यादा एच है मार्मोनिक अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बनेगा ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन, तो ये बनेगा ब्यूटेन टू ऑन, ठीक है। इसमें भी ब्यूटेन टू ऑन बनेगा, ठीक है। इसमें बनेगा एच इधर जाएगा और इधर ये बनेगा, और इसमें भी ये ही। तो दीज आर आवर कैंडिडेट्स फॉर कंपाउंड सी, ये हमारे कंपाउंड सी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। नीचे वाले बैठने वाले बनाइए, अच्छा। अब इसके अंदर वो कह रहे कंपाउंड सी इज एन आइसोमर ऑफ ए, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो ए है इज सेम एज सी, दैट मीन सिंस ए इज सेम एज सी तो ये हमारा पिक्चर साइड जाता है, ठीक है। देन अगेन अगर हम इन दोनों को देखें तो ए और सी इसमें तो सेम बन गया है, तो हमारे पास दो बचते हैं, हमारे पास बचता है एक ये आइसोमर और एक ये आइसोमर। इन दोनों में ए और सी पोजिशन आइसोमर है, एक वन ऑल है तो दूसरा टू ऑल है, इसमें भी वन ऑल है तो दूसरा टू ऑल है। तो यहाँ तक क्लियर Yes. है। अब बात आ रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम सी को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इट गिव्स डी, सॉरी व्हिच इज इट,
आइसोमर ऑफ कंपाउंड ए। मैंने कुछ मिस किया? अच्छा सॉरी, ये मैंने इसको मैंने बी तो भी बनाया ही नहीं है, ये सी था और ये डी था। बी अभी रहता है, ठीक है। तो बी कह रहा है कि बी कैसे बनता है, बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये हमारा जो अल्कोहल है दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, और ये जो अल्कोहल है ये वाला अल्कोहल, सोचो देखो। अब बोलो। अच्छा देखो, अब हमारे पास दो तो पिक्चर से हट ही चुके हैं, तो वी कैन एलिमिनेट दिस, और हमें ये दिखाने की भी जरूरत नहीं होती पेपर में कि हम ने इनके बारे में सोचा था। पेपर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम सारा कुछ सोच के बताएं कि हमने कैसे सोचा। तो हमारे पास दो है, ठीक है। अभी हमने बी नहीं बनाया, तो कह रहे हैं इसको अगर जब हम बी से ए को जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से कर दें K2Cr2O7 के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ, तो क्या होता है? अब हमारा क्या बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ? देखो K2Cr2O7 इज लाइक अल्कलाइन KMnO4। तो अल्कलाइन KMnO4 की तरह वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसकी प्रेजेंस में अल्कोहल एसिड बन जाता है, तो ये बन जाना चाहिए ब्यूटेनोइक एसिड, और ये बन जाना चाहिए अगर हम K2Cr2O7 इसके अंदर लगाते हैं एसिड डिफाइन, ये बन जाना चाहिए CH3COOH। अब हमारे पास ये आइदर दिस इज बी और दिस इज बी, अब हम कैसे एलिमिनेट करें? कह रहे हैं कंपाउंड डी इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बट कंपाउंड ए कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एबीसीडी। तो डी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो डी यहाँ पे है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को कह रहे हैं ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या टर्शियरी अल्कोहल को, किसको ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कह रहे हैं कि देखो सेकेंडरी अल्कोहल जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, इट गिव्स कीटोन, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगी तो इट विल गिव मी कीटोन जो कि ब्यूटेन टू, बट टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन माइनरी ऑक्सीडाइजिंग के साथ किसी के साथ भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो दैट मीन्स कि ये भी पिक्चर से रिमूव हो जाता है। तो दैट मीन्स हमारा पूरा का पूरा सीरीज है ये ऊपर वाली ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी, तो तुम्हें बस ये बना के आ जाना है और यू विल गेट मार्क्स। यू क्लियर? यस। अब वो कह रहा है व्हाट इज द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय ए एंड डी, ए और डी में प्रोपोजिशन आइसोमेरिज्म प्रोपेन ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट।